हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बस एक वैरायटी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक रेमेडी बनाऊंगी जो सर्दी में सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी में सब लोगों की बहुत पैर फाटते हैं। तो इसीलिए मैं एक रेमेडी बना के दिखाऊंगी। ये देखिए, उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सरसों का तेल चाहिए और एक कैंडल चाहिए, ये देखिए, और एक बोरोप्लास एलोवेरा जेल। किसी का घर में पेड़ में भी होगा, उसको भी आप लेके यूज़ कर सकते हो। और ग्लिसरीन, ये नहीं भी होगा चलेगा, बट मेरा पास था इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। बस ये पांच ही चीज़ चाहिए। सरसों का तेल नहीं डालो तो आप नारियल का तेल भी डाल सकते हो, क्योंकि ये दादी अम्मा लोगों की ये रेमेडी है। बचपन में भी सब उन लोग लगाते थे, मैं देखी हूँ। तो मैं आज सोची इसके लिए एक वीडियो बनाती हूँ। तो अभी मैं कैंडल को कद्दूकस कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने कैंडल को कद्दूकस कर लिया। अभी मैं आपको कौन सी चीज़ कितना लगेंगे वो बताऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा बनाऊँगी। इसीलिए ये मेरे को हाफ चम्मच, ये देखिए, मुझे हाफ चम्मच कैंडल चाहिए। देखिए, हाफ चम्मच कैंडल मैंने इसमें डाल दिया और एक चम्मच सरसों का तेल डाल दिया। अभी सब एक एक चम्मच चाहिए, ये देखिए। अभी इसमें मैंने डाला सरसों का तेल और कैंडल। अभी मैं इसमें एक चम्मच से थोड़ा कम एलोवेरा जेल और ये मैं हाफ चम्मच बोरोप्लास। अभी इसको मैं पिघलाऊंगी। गैस पे रख दिया मैंने, एकदम धीमी गैस पे धीरे धीरे इसको पिघलाऊंगी। ये देखिए, ये पूरा अच्छा से पिघल गया। अभी मैं इसमें दो डॉट ग्लिसरीन डालूंगी। ये देखिए, ये अच्छा से बन गया। अभी मैं इसमें डालूंगी ग्लिसरीन। बस हो गया। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं दिखाती हूँ आपको लगाना भी कैसे। ये देखिए, अभी ये ठंडा हो गया। अभी मैं अच्छा से अपना पैर धो के आई हूँ। ये देखिए, मैंने इसको ऊपर हाथ से इसको ले लिया। ये देखिए, अब रात को इसको लगा सकते हो। अच्छा से पैर धो के गुनगुना गर्म पानी से। ये देखिए, ज़्यादा बना के रखना है वो ज़्यादा भी बना के कोई डब्बा में भर के रख सकते हो आप। ये कोई ख़राब नहीं होंगे, इसका अंदर कोई ख़राब करने वाली चीज़ मैंने नहीं डाला है। बस चार पांच चीज़ ही तो डाली हूँ, सब आपका घर में ही है। देखिए, आप 5-7 दिन यूज़ करके देखिए। देखिए, ये बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़, जो मेरे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सर्दी में सब लोगों की ज़रूरत होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।